Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 14th January 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Makar Sakranti. And this topic is important from our syllabus GS Paper 1 Indian Culture Point of View. Jaisa चौदह जनवरी मकर संक्रांति या बीहू पर्व नाम से मनाया जाता है अल, हमारे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से तो सबसे पहले तो मैं आप सबको माघ बिहू की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और फिर आप देखते हैं ये जो हमारे यहाँ पे हमारे स्टेट आसाम में माघ बिहू नाम से हम जो ये सेलिब्रेट करते हैं ये फेस्टिवल को इस फेस्टिवल को इंडिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है अब सब तो आप रट नहीं सकते लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वाले देख लीजिए जैसे तमिलनाडु में इसको पोंगल कहते हैं ये आपको याद रखना चाहिए उसके अलावा मकर संक्रांति उड़ीसा में उत्तर प्रदेश और बिहार में इसको किचरी भी कहते हैं बिहार में भी इसको मकर संक्रांत कहते हैं लेकिन मकर संक्रांति उड़ीसा में ज़्यादातर इसको बुलाया जाता है और उत्तरायन इसको कहा जाता है गुजरात और राजस्थान में और लोरी पंजाब में कहा जाता है इतना आप कम से कम आपको याद रखना है पोंगल मकर संक्रांति खिचरी और उत्तरायण एंड लोहरी तो माघ बिहू तो आपको पता ही है हमारे स्टेट असम में इसको बुलाया जाता है अब जरा समझते हैं कि आखिर इस दिन 14 जनवरी का क्या सिग्निफिकेंस है क्यों इस दिन इंडिया के अलग अलग कोनों में इसको एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है अलग अलग नाम से तो चौदह जनवरी का अगर आप दिन देखें तो इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस है चौदह जनवरी के बाद से आप मान सकते हैं कि धीरे धीरे दिन की लंबाई बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे सर्दी कम होगी और गर्मी धीरे धीरे आने लगेगी तो आपको पता होगा कि ये तो आप जानते ही हैं कि सन के अराउंड हमारा अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है और लगभग तीन सौ छः घंटे में एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है उसके अलावा हमारा अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट भी करती है और वो जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन दैट इज़ क्रिएटेड बाई द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन तो प्लेन के ये रिवॉल्यूशन के कारण बनने वाला जो प्लेन है उसके ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर बना दी जाए एक हाइपोथेटिकल परपेंडिकुलर बना दिया जाए और जो अर्थ का एक्सिस है जिस पे अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है तो दोनों के बीच में 23.5 डिग्री का एंगल बनेगा इसके कारण होता क्या है कि दिन और रात की लंबाई जो है वो बढ़ते घटती रहती है अगर ये एंगल नहीं होता तो दिन और रात की लंबाई हर वक्त 12 घंटे होती और फिर हमारे यहाँ पर सीजन्स नहीं बदलते सर्दी या गर्मियाँ नहीं आती लेकिन ये टिल्ट होने के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं अब आप देखिए जब अर्थ हमारा रिवॉल्व करता है सन के अराउंड तो चार इंपॉर्टेंट एक पोजिशंस बनते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सन ये ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेम्बर या ट्वेंटी फर्स्ट मार्च वाला जो पोजिशन है सन और अर्थ के बीच में इसको हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स का पोजिशन क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ के एक्सिस के टिल्ट होने का इम्पैक्ट है वो नलीफाई हो जाता है वो काउंटर हो जाता है आपने बेसिक जोग्राफी में ज़रूर पढ़ रखा होगा राइट और इस कारण से पूरे जगहों पे हर जगहों पे 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती कहीं पे भी आप देख लीजिए जैसे इस लोकेशन पे भी देख लीजिए तो यहाँ पे जब तक ये सन के सामने रहेगा दिन होगी 12 घंटे की और पीछे वाले साइड में 12 घंटे की रात होगी तो इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं इक्वीनॉक्स पोजिशन इक्वल इक्वी मतलब इक्वल एंड नॉक्स मतलब नाइट तो इक्वीनॉक्स हर जगह बराबर दिन और बराबर रात बारह घंटे की लेकिन वहीं अगर आप इस लोकेशन पर देखें 21 जून को तो उस केस में आप देखेंगे कि नदन हेमिसफेयर जो है इट इज़ क्लोजर टू द सन नंदन हेमिसफेयर में डेज़ आर लॉन्गर नाइट्स आर शॉर्टर एंड दैट इज़ वाई इज समर इन दिस पीरियड इन द नदन हेमिसफेयर और इसका ठीक अपोजिट यहाँ ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर के आसपास अगर आप देखेंगे तो नदन हेमिसफेयर जिसमें हमारा देश इंडिया है वो सन से दूर जा रहा होता है और इस कारण से हमारे यहाँ पे नाइट्स जो हैं वो लॉन्गर होते हैं डेज आर शॉर्टर और इस कारण से हमारे यहाँ पर सर्दियाँ होती हैं नदन हेमिस्फीयर में अब धीरे धीरे जब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं चौदह जनवरी तक तो आप मान सकते हैं कि अब अब के बाद ओवरऑल हमारी जो आ, वैसे तो 21 दिसंबर को ही हम कहते हैं कि सबसे लंबी रात होती है 21 दिसंबर वुड बी द लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे इन नदन हेमिसफेयर ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर को ही विल हैव लॉन्गेस्ट नाइट जैसे ये वाला जो लेंथ होगा किसी भी जगह पर आप देखिए ऐसे घूम रही नहीं अर्थ तो ये वाला जो टाइम होगा दैट विल आर रिफ्लेक्ट और रिप्रेजेंट नाइट ड्यूरेशन जबकि ये जो रिप्रेजेंट करेगा डे ड्यूरेशन करेगा तो डे आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर तो यहीं से आप धीरे धीरे आप मान सकते हैं कि नाइट्स जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी एंड डेज जो है वो धीरे धीरे लॉन्गर होने लगेंगे बट फोर्टीनथ जनवरी एक ऐसा पोजीशन है जहाँ की बात आप मान सकते हैं कि डेज विल बिकम प्रोमिनेटली मोर लॉन्गर एंड धीरे धीरे आप मान सकते हैं कि अब गर्मियाँ आने की शुरुआत हो चुकी है तो इट मार्क्स द एंड ऑफ मंथ विद द विंटर सोलिसिटिस एंड स्टार्ट ऑफ द लॉन्गर डेज वैसे तो लॉन्ग सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को होता तो है उसके बाद से आप मान सकते हैं कि धीरे धीरे दिन लंबे होने लगेंगे लेकिन ये जो मंथ है सर्दियों वाला मंथ पाउस uh, मंथ जिसको कहते हैं वो आप मान के चल रहे हैं कि चौदह जनवरी को ख़त्म होता है तो एंड ऑफ इन ऑस्पिसियस फेज ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ विच इज़ नोन एज पाउस तो बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ चिलिंग विंटर सो आप कह सकते हैं कि चौदह जनवरी कोड बी सीन एज द बिगनिंग ऑफ एंड ऑफ चिलिंग विंटर एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड एज हारवेस्ट फेस्टिवल जो हमारे स्टेट असाम में इसको बीहू नाम से बुलाया जाता है तो हमारे यहाँ तो तीन इंपॉर्टेंट बीहू होते हैं बोहाग बिहू कांती बिहू एंड माघ बिहू तो ये वाला माघ बिहू इनफैक्ट ऑल द थ्री बीहू इज़ आर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर कैलेंडर बाकी आपको तो पता ही है बेला घर बनाया जाता है मेजी ऐसे बनाए जाते हैं फिर उनको सेलिब्रेशन के बाद जला दिया जाता है यू नो बेटर देन मी अगर और भी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हो आ, इस बिहू सेलिब्रेशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट इस टॉपिक के बेसिस पे ये फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज इम दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अब चाइल्ड मैरिज एंड पर्सनल लॉज टॉपिक इज फॉर पेपर गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए आपको पता है आज पर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट टू थाउजेंड सिक्स मिनिमम मैरिजेबल एज इन अवर कंट्रीज एटीन ईयरस फॉर वीमेन एंड ट्वेंटी वन ईयर्स फॉर मैन और ये तो एक ऐसा कानून है जो यूनिफॉर्म तरीके से सारे लोगों पर एप्लीकेबल होना चाहिए बट देर आर सेपरेट लॉज एज़ वेल जो अलग अलग रिलीजन के अंदर मिनिमम मैरिजेबल एज को फ़िक्स करते हैं जैसे हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 बहुत पहले ही हिंदूज़ के अंदर मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर ब्राइड फ़िक्स कर दिया गया था 18 इयर्स एंड ग्रूम के लिए फ़िक्स कर दिया गया था 21 वन ईयर्स वैसे अगर बात की जाए पारसीज़ के अंदर तो पारसीज़ का जो एक्ट है मैरिज एक्ट पारसीज मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट नाइनटीन या क्रिश्चन मैरिज एक्ट ऑफ एटीन और बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 सब में जो गर्ल चाइल्ड है या वुमेन है उनकी मैरिजेबल एज मिनिमम मैरिजेबल एज 18 और मेन की मैरिजेबल एज 21 फिक्स की गई है तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझिए अलग अलग धर्म में जैसे क्रिस्टैनिटी के अंदर एटीन में ही कानून बन गया पारसीज के अंदर 1936 में कानून बन गया पारसीज के लिए कम्युनिटी वाले तो अलग से कानून नहीं बना सकते हैं लेकिन उन कम्युनिटी के लोग ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हमारे अंदर मिनिमम मैरिजेबल है जैसा होना चाहिए तो बाद में इसको कानून का सेब दे दिया गया अगर आपने एथिक्स की क्लास पढ़ी है, तो आप जानते होंगे कि एक बार एथिकल स्टैंडर्ड्स इज एक्सेप्टेड इन अ सोसाइटी देन इट बिकम्स ईजियर फॉर फ्रेमिंग अ लॉ इन दैट डायरेक्शन तो इसी कारण से आप मान सकते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर बहुत पहले इसको लेकर के एक एथिकल स्टैंडर्ड बन गया था कि 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी या 21 साल से कम उम्र में लड़कों की शादी नहीं होनी चाहिए दैट इज हाउ क्रिश्चन्स के लिए पहले ही कानून बना दिया सरकार ने और जिनको उन्होंने इजिली एक्सेप्ट भी कर लिया सेम इज़ फॉर पार्सीज इन नाइनटीन एंड सेम इज़ फॉर हिंदूज इन नाइनटीन हिंदू मैरिज एक्ट आया गया तो इस हिसाब से आप मान सकते हैं कि अलग अलग धर्म में पहले ही इस तरह के कंसेंट्स बन गए कि मिनिमम मैरेजेबल एज एटीन एंड ट्वेंटी वन होना चाहिए और जिसके कारण उन अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून बना दिए गए कि मिनिमम मैरेजेबल एज इतना होगा कानून पार्लियामेंट से ही बन करके आया लेकिन अलग अलग धर्म के लिए बन करके आया अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों के लिए बन करके आया बाद में 2006 में एक कानून आया प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 थाउजेंड सिक्स विच प्रिस्क्राइब्स एटीन एंड ट्वेंटी वन ईयर्स ऑफ मिनिमम मैरेजल एज फॉर मेन एंड वीमेन रेस्पेक्टिवली इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बैकग्राउंड अब तो यहाँ के बाद से एक मेन इशू निकल करके आता है वो है इस्लाम रिलीजन के अंदर जो उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ है और ये कानून प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट टू क्योंकि इस्लाम के अंदर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो कहता है कि मिनिमम मैरिजेबल एज शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेस ऑफ अटेनिंग ऑफ प्यूबर्टी तो प्यूबर्टी के बेसिस पे डिसीजन होना चाहिए कि मिनिमम मैरिजेबल एज कितनी होनी चाहिए जिसको इस्लाम में इन जनरल पंद्रह साल माना गया है तो इस्लाम के अंदर आप मान सकते हैं कि मिनिमम मैरिजेबल एज अभी भी 15 है एज पर देर मुस्लिम पर्सनल लॉ अब जब तक स्पेसिफिक कानून नहीं बना था सारे धर्म के लोगों के लिए ये कानून 2006 वाला जब तक नहीं बना था तब तक तो अलग अलग धर्म में जो मैरिज या डिवोर्स के प्रोविज़न हैं वो उनके धर्म के पर्सनल लॉ से ही आ रहा था और इसलिए इस्लाम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट आफ्टर दिस लॉ वॉज ब्रॉट बाय द पार्लियामेंट इन टू थाउजेंड सिक्स देर वॉज ए डिस्क्रिपेंसी बिटवीन दिस लॉ ब्रॉड बाई द पार्लियामेंट दैट शुड बी इंप्लीमेंटेड इन यूनिवर्सल मैनर एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड देर वॉज नो क्लैरिटी कि कौन सा कानून किसको सुपरसीड करेगा राइट right? अभी तक इसको लेकर के क्लैरिटी नहीं है अभी एथिक्स पेपर में कभी भी आप आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो तो देन टू प्रूव योर आइडियाज की एथिकल स्टैंडर्ड्स वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी और कम्युनिटी टू कम्युनिटी वहाँ पर आप ये पॉइंट लिख सकते हैं क्यों सी मिनिमम मैरिजेबल एज को लेकर के भी देर आर डिफरेंट एथिकल स्टैंडर्ड्स डिफरेंट सोसाइटीज़ हैथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इस्लाम इट इज डिफरेंट फॉर अदर कॉम्युनिटीज इट इज डिफरेंट लेकिन अब करंट ट्यूजिए देखिए आपको यह भी पता होगा मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर ऑल द रिलीजन Women के लिए 18 है मेन के लिए 21 है लेकिन अब उसको बढ़ा करके 21 करने की बात की जा रही है फॉर वुमेन आल्सो। तो मेन और वीमेन के बीच में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक बिल भी रखा गया है प्रोहबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 ट्वेंटी विच इज सीकिंग to अमेंड दिस लॉ prohibition ऑफ चाइल्ड marriage act of 2006 and increase एंड इंक्रीज द मिनिमम of women ऑफ 18 फ्रॉम 21 टू ट्वेंटी और ये सब किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय जया जेटली कमेटी ये सब चीज़ें तो हम पहले से देखते आ रहे हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में मुद्दा यह है मैं फिर से समराइज कर दूँ अलग अलग धर्मों में उन्होंने लोगों ने एक टाइम के बाद माना कि मिनिमम मैरेजेबल एज एटीन और ट्वेंटी होना चाहिए और उसके लिए फिर पार्लियामेंटे कानून बना दिया अलग अलग धर्म के लिए इस्लाम के अंदर 15 का लगभग कॉन्सेप्ट चल रहा है बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ पुबर्टी उसके लिए पार्लियामेंट ने अभी तक तो कोई कानून नहीं बनाया है इस्लाम के अंदर मिनिमम मैरिजेबल एज वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से ही डिसाइड हो रहा है पार्लियामेंट ने कानून बनाया 2006 में तब से इस्लामिक पर्सनल लॉ और ये कानून 2006 वाला इट इज़ कमिंग इनटू टू कॉन्ट्राडिक्शन करेंट टाइम्स में सरकार जो है वो प्लान कर रही है और उसके लिए एक बिल भी रखा गया है लोकसभा में विच इज़ प्लानिंग टू इंक्रीज द मिनिमम मैरेजेबल एज ऑफ वीमेन फ्रॉम एटीन टू ट्वेंटी अब जा करके ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो और ज़्यादा स्टार्क हो जाता है और करंट न्यूज इसी से रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला पहुंचा है नाउ सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू डिसाइड कि वेदर द मिनिमम मैरिजेबल एज कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पुबर्टी और नॉट तो इस्लाम के अंदर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ कितना वैलिड है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अब चेक करेगी सुप्रीम कोर्ट तो जैसे ट्रिपल तलाक जो प्रोविजन है दैट वाज आल्सो बीइंग जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ पर देन सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक इट डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलरली ये जो पुबर्टी अटेनमेंट के बेसिस पर मिनिमम एलिजिबल एज का जो कॉन्सेप्ट है मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से उसको अब इन्वेस्टिगेट करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड इट मे स्ट्राइक इट डाउन एस कॉन्स्टिट्यूशनल तो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है द नेक्स्ट आर्ट इज अबाउट डीप फेक्स दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आर सिलेबस जी एस पेपर फॉर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू आईडियाज डिस्कस्ड हियर आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर राइटिंग एन इम्पॉर्टेंट एस एन सच इशूज डीप फेक्स होते क्या है पहले वो समझते हैं तो देखिए डी फेक्स आर सच डिजिटल मीडिया कंटेंट वीडियो ऑडियो या इमेज कंटेंट होता है विच आर क्रिएटेड विथ हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ मेन इंटेंसर ऑफ मैन्युपुलेटिंग अदर्स मतलब ऐसा कंटेंट बनाया जाता है जो होता फेक है लेकिन उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि उसको आइडेंटिफाई कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है फेक डिजिटल मीडिया कंटेंट विथ हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नोन एज डीप फेक इसको डीप फेक इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज़ बीग क्रिएटेड विथ हेल्प ऑफ आ टेक्नोलॉजी जिसका नाम है डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी सो डीप फेक आप कह सकते हैं इट इज एन एडवांस्ड एंड मोर रियलिस्टिक वर्जन ऑफ द अर्लियर मेथड्स लाइक फोटोशॉपिंग एंड मॉर्फिंग जैसे आप देखिए मोनालिसा की पेंटिंग ये तो ओरिजिनल पेंटिंग बनाई गई थी फिफ्टीन जीरो थ्री में बाई ल्यूनाडो डविंजी राइट right. अभी ये आप देख सकते हैं कि डीप फेक की मदद से मोनालिसा सिंगिंग और एक्सप्रेसिंग हर सेल्फ बट ये आपको भी पता है कि ये रियल नहीं हो सकता बट दिस हैज़ बिन क्रिएटेड विथ हेल्प ऑफ डीप फेक तो डीप फेक से प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं आज के डेट में द डीप फेक से कारण समस्या हो रही है कि बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज़ मीडिया के अंदर रिलीज की जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस कारण से आवर सोसाइटी इज गेटिंग इनटू पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी आज के ज़माने में दिक्कत क्या है इन द एज ऑफ सोशल मीडिया एवरी बडी इज कंटेंट जनरेटर एंड देयर इज अ लोड्स एंड लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लोइंग एवरी मिनट एंड दैट इज़ वाई इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फेक एंड द जेन्यून इंफॉर्मेशन इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल और वैसे टाइम में सोशल मीडिया के एज में इस तरह के डीप फेक कंटेंट का इस्तेमाल करके कई सारी चीजें हमारे सामने रखी जा रही हैं एंड दैट हैज़ मेड इट इम्पॉसिबल फॉर अस टू डिटरमाइन बिटवीन फेक एंड जेन्यूइन इंफॉर्मेशन एंड दैट इज सच सोसाइटी इज नोन एज पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी अ सोसाइटी वेयर इट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फेक एंड जेन्युन इंफॉर्मेशन पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी वर्ड को पहली बार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2016 में इंट्रोड्यूस किया था इट सिंपली मीन्स कि ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैव बिकम लेस इम्पॉर्टेंट एंड पब्लिक ओपिनियन एंड इमोशंस हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट एंड जो भी ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से समाज में रखा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस आइडिया को फॉलो करते हैं जिस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप, आप समझिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से शेयर किया जाता है या प्रोपोगेट किया जाता है लोग उसी को सच मान बैठते हैं राधर दैन नोइंग द ऑब्जेक्टिव फैक्ट ऐसे सोसाइटी को कहा जाता है पोस्ट ट्रथ सोसाइटी तो पोस्ट रूथ सोसाइटी इज कमिंग अप बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया प्लस सच टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग कह रहे हैं डीप फेक लोगों की पर्सनल रेपुटेशन ख़राब होती है बिकॉज ऑफ सच डीप फेक टेक्नोलॉजी फेक वीडियोज़ बना करके कई सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस की ऐसे आप ऑफ कंटेंट बना करके भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिए जाते हैं वीमेन आर टारगेटेड विथ हेल्प ऑफ दिस डीप फेक एंड वीमेन हु आर नॉट एक्चुअली इन टू सच एंड ऑपसीन एक्टिविटीज़ और पोर्नोग्राफी दे आर ऑल्सो बींग रिफ्लेक्टेड टू बी इंगेज इन टू सच एक्टिविटीज कभी नाम दिया जाता है रिवेंज पॉन बाय द स्पन्ड लवर्स हु वॉन्ट टू हैरस वीमेन तो इफ अ वुमेन हैज रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ अ पर्सन दे दैट पर्सन में ऑल्सो रिजॉर्ट टू अर ऐसे केसेज निकल करके आए हैं द पर्सन हैज रिजॉर्टेड टू सच डीपेक्ट टेक्नोलॉजी जस्ट टू हवर रिवेंज लॉ एंड ऑर्डर भी करता है डीप एंड डीप फेक से बहुत बार ऐसे इन्फॉर्मेशन दे दिए जाते हैं कि यहाँ पे ये दंगे हो रहे हैं इन लोगों ने इसको ऐसे मारा इस कम्युनिटी के लोगों को मारा और बाद में पता चलता है कि वो पूरा का पूरा जो वीडियो था वही फेक था तो लॉन्ड लॉ एंड ऑर्डर के भी प्रॉब्लम्स होते हैं सो डीप फेक इन एसोसिएशन विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप एंड फेसबुक आर इमर्जिंग आउट टू बी अ ग्रेट थ्रेट फॉर लॉ एंड ऑर्डर एंड चैलेंज टू डेमोक्रेसी एज वेल अभी लोगों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन आता है उसी के बेसिस पे लोग जो है अपना वोटिंग राइट right को प्रैक्टिस करते हैं बट डी फेक की मदद से ये बहुत सारे फॉल्स इन्फॉर्मेशन को फैला पाना सरल हो गया है जिसके मदद से जो वोटर से उनके बिलीफ को मैनिपुलेट किया जा सकता है इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जानबूझ करके बनाया गया था दिखाने के लिए कि कैसे यूके के के जो उस टाइम के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन वो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं और लेबर पार्टी के लीडर जेरेमी कोरबिन ये दोनों एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे हैं जैसे आप समझाने के लिए बता दूं कि राहुल गांधी कह रहे हो कि प्लीज़ नरेंद्र मोदी जी को वोट दीजिए और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हो कि प्लीज़ राहुल गांधी जी को वोट दीजिए ऐसी ही कुछ बात है जब जेरेमी कोरबिन कह रहे हैं बोरिस जॉनसन के लिए वोट मांग रहे हैं और बोरिस जॉनसन जेरेमी कोरबिन के लिए मांग रहे हैं और दोनों देख कर करके लगता है कि जेनुन है लेकिन ये बाद में जिस कंपनी ने बनाया है ये एक वीडियो कंटेंट फ्यूचर एडवोकेसी ग्रुप ने उसने ये बना बोला कि हमने जान के करके ये वीडियो बनाया है ताकि हम आपको बता सकें कि डीप फेक इतना खतरनाक हो सकता है ये वीडियो बनाया गया डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से जेरेमी कॉर्बिन इज कैंपेनिंग जेरेमी कॉर्बिन इज़ कैंपेनिंग फॉर यू सी जॉनसन एंड वाइल बोरिस जॉनसन इज कैंपेनिंग फॉर जेरेमी कॉर्बिन तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है डी फेक टेक्नोलॉजी का तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक या ट्विटर उनको इस तरह के एल्गोरिथम्स लगाने चाहिए जिसकी मदद से डी फेक और जेन्यून कंटेंट पर डिफ्रेंसीट किया जा सके और डी फेक कंटेंट को उनको फिल्टर आउट करना चाहिए कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक वगैरह ने इस पर काम भी शुरू किया है जैसे फेसबुक हैज़ रिक्रूटेड रिसर्च फ्राम बर्कले ऑक्सफोर्ड एंड अदर इंस्टीट्यूशंस टू बिल्ड डी फेक डिटेक्टर उसके अलावा हमारे और आपके जैसे जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वी ऑल्सो नीड टू हेव रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बिफोर फॉरवर्डिंग एनी इंफॉर्मेशन और मैसेज और एनी वीडियो यू मस्ट थिंक पॉज बिफोर शेयरिंग इट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द नेक्स्ट इज अबाउट निकोबार लॉन्ग टेल्ड मका एंड दिस टॉपिक इंपोर्टेंट फॉर आर सिलेबस जीएसपीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो लॉन्ग टेल मकाक अभी न्यूज में आया है हो सकता है प्रलिम्स एग्जाम में आ जाए इसके बारे में जरा देख लेते तो इट इज अब स्पीसीज ऑफ लॉन्ग टेल्ड मकाक फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया तो उसका सब स्पीसीज है ये निकोबार लॉन्ग टेल्ड मकाक दिस पर्टिकुलर स्पेसीज इज डिस्टिंग फ्रॉम इट्स कजिन दैट इज लॉन्ग टेल मकाक इन बिहेवियर एंड जोग्राफिकल लोकेशन तो द मकाक ये जो निकोबार लॉन्ग टेल मकाक है इट is फाउंड इन द थ्री ऑफ द निकोबार आइलैंड दैट is कच्छल लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार इसके अगर प्रोटेक्शन स्टेटस की बात की जाए तो आई यू सी एन मेट इज कैटेगराइज एज वॉलरेबल हाल फिलहाल में इस पर एक रिपोर्ट आई है वी आर रिसेंट रिसर्च सेज ग्रेट निकोबार आइलैंड शोज दैट द हैबिटेट ऑल्टरेशन कैन इंक्रीज द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट एंड एडवर्सली इम्पैक्टिंग द पॉपुलेशन ऑफ दिस निकोबार लॉन्ग टेल्ड कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था तो उसका आंसर देख लेते हैं देखिए ये जो क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म एंड ऑल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू दोनों स्टेटमेंट गलत हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यशन ना इधर डायरेक्टली टॉक्स अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर प्रोविजन नॉर इट टॉक्स अबाउट डायरेक्टली अबाउट जुडिशियल रिव्यूज सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी और यहां पर अगर देखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी इंक्लूडेड इन एफ डी आई तो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपोजिट एन आर ई डिपोजिट जो है इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एफ डी आई तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही हट गया लेकिन बाकी तीनों जो हैं दे आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एफ डी आई सो द करक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड रूपा लिम हैजिन रिटेड बाय ज्योति प्रसाद अगरवाला जी दैट्स ऑल फ्रॉम आर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग